हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेखा संजू किचन कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे तंदूरी पनीर टिक्का और वो भी गैस पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कढ़ाई गरम कर ली है, उसमें हमने डाल दिया है 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल। तेल को अच्छे से गरम हो जाने देंगे। देखिए तेल अच्छे से गरम हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच बेसन। बेसन को अच्छे से चलाते हुए भुनेंगे। फ्रेंड्स, मस्टर्ड ऑयल ही डालें क्योंकि तंदूरी पनीर टिक्के में मस्टर्ड ऑयल का अलग ही टेस्ट आता है। देखिए बेसन बिल्कुल भुन गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो चलिए, तब तक हमने एक बोल ले लिया है और इसमें हम डाल लेंगे 2 चम्मच दही। फ्रेंड्स, दही हमने कपड़े में डालकर अच्छे से निचोड़ ली है क्योंकि हमें दही में बिल्कुल भी पानी नहीं चाहिए। अब हम इसमें डाल देंगे भुना हुआ बेसन। देखिए इस तरह से हमने मस्टर्ड ऑयल में भुना हुआ बेसन इसमें डाल देना है। थोड़ी सी हम इसमें डाल देंगे अदरक और मिर्ची का पेस्ट। थोड़ी सी हम डाल देंगे लाल मिर्ची पाउडर। थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे चाट मसाला। थोड़ा सा डाल देंगे धनिया पाउडर। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। थोड़ा सा हम डाल देंगे जीरा पाउडर। थोड़ा सा डाल देंगे काली मिर्ची पाउडर और आधा नींबू हम इसमें निचोड़ देंगे। देखिए इस तरह से नींबू निचोड़ लेना है। थोड़ी सी हम इसमें डाल देंगे अजवाइन। अजवाइन का काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है फ्रेंड्स पनीर टिक्के में। और अब इन सब मसालों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और बिल्कुल अच्छा सा घोल बनाएंगे। फ्रेंड्स, ध्यान रहे दही में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। हमें पनीर और सब्जी को इसमें अच्छे से कोट करना है। अगर दही में ज़्यादा पानी होगा तो वह अच्छे से कोट नहीं होंगी। तो देखिए इस तरह से हमें घोल तैयार कर लेना है। थोड़ा सा मैं इसमें डाल दूंगी कसूरी मेथी, हाथ से रगड़ के। इस तरह से कसूरी मेथी का इसमें काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने। तो अब हमने पनीर बड़े बड़े टुकड़ों में इस तरह से काट लिया है। फ्रेंड्स, पनीर को बड़ा बड़ा ही काटना है। देखिए साथ में ही हमने काट लिए हैं प्याज, और प्याज के बीज के हिस्से को हम स्टॉपर की तरह यूज़ करेंगे। टमाटर के हमने अंदर के बीज निकाल दिए हैं और शिमला मिर्च को भी हमने ऐसे ही बड़ा बड़ा क्यूब्स में काट लिया है। तो चलिए अब हमने जो घोल बनाया है उसमें हम पनीर डाल देंगे और सारी सब्जियां भी हम इसी में डाल देंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करना है, पनीर टूटना नहीं चाहिए। देखिए बिल्कुल इस तरह से, ताकि सारी सब्जियाँ और पनीर अच्छे से कोट हो जाए। देखिए पूरी सब्जियां और अच्छे से बिल्कुल कोट हो गई हैं। अब मैंने ये ली हैं स्टील की रॉड्स। अब हम इनमें बारी बारी से इन्हें डालेंगे। देखिए पहले हम प्याज को ढूंढकर स्टॉपर की तरह ऐसे लगा देंगे। फ्रेंड्स, इस प्याज को स्टॉपर की तरह इसलिए लगाना है ताकि पनीर बिल्कुल ना हिले और अच्छे से सिके। बीच बीच में हम सारी सब्जियों के टुकड़े इस तरह से लगा देंगे बारी बारी से। जब ये सब्जियां अच्छे से भुन जाती हैं तो इनका बहुत अच्छा टेस्ट आता है और इनके साथ पनीर बिल्कुल हिलता नहीं है और बिल्कुल अच्छे से सिक जाता है। तो देखिए हाथ को बचाते हुए इस तरह ध्यान से इसमें बारी बारी से डाल लीजिए। बिल्कुल पास पास लगाना है, बीच में ज़्यादा स्पेस नहीं होना चाहिए। देखिए पूरी सब्जियाँ अच्छे से कोट हो गई हैं और इनका अच्छा सा टेस्ट आएगा। देखिए इस तरह से हम बारी बारी से टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज, पनीर सबको एक एक करके इस तरह से लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों रोड में इस तरह से पनीर लगाकर बिल्कुल रेडी कर लिया है। अब हम इसे पहले तवे पर सेकेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, कोटिंग अच्छे से चिपक जाए। तो देखिए हमने तवा गर्म कर लिया है और हम इस पर ऐसे से ध्यान से रख देंगे। देखिए इस तरह से रखकर
मीडियम फ्लेम पर हम इसे चारों तरफ से घुमाते हुए सेकेंगे ताकि कोटिंग अच्छे से चिपक जाए, और जब हम इसे गैस पर सेकें तो यह अच्छे से भुने। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे उलटते पलटते हुए चारों तरफ से सेक लेंगे। देखिए पनीर अच्छे से सिकना शुरू हो गया है। घोल में मस्टर्ड ऑयल का काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, और मस्टर्ड ऑयल हमने अच्छे से डाला था तो कोटिंग बार बार उतरती नहीं है, अच्छे से लग जाती है और अच्छे से सिकता है पनीर। तो देखिए हमने इसको चारों तरफ से सेक लिया है। अब हमने गैस पर फॉइल पेपर लगा लिया है ताकि गंदी ना हो, और इस तरह से हम उठाकर इसे फ्लेम पर थोड़ा ऊपर की तरफ रख के सेकेंगे ताकि यह जले ना। देखिए इस तरह से हाथ को बचाते हुए ध्यान से चारों तरफ से इसे सेक लेंगे। इससे फ्रेंड्स पनीर अच्छे से सिक जाएगा और उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक स्पॉट आ जाएंगे, जिस तरह बिल्कुल तंदूरी टिक्का होता है, और बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आएगा इसमें। देखिए हमने अच्छे से सेक लिया है। अब हम इस पर डाल देंगे थोड़ा थोड़ा नींबू, थोड़ा सा हम डाल देंगे इस पर चाट मसाला। देखिए थोड़ा थोड़ा अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे, और फ्रेंड्स गर्मा गर्म हम इसे सर्व करेंगे। देखिए इस तरह से चारों तरफ से इस पर नींबू और मसाला लग गया है, और इस तरह से फोक की हेल्प से इसे ट्रे में निकाल लेंगे और गर्मा गर्म इसे चटनी के साथ सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स आप भी इस रेसिपी से घर में ही तंदूरी पनीर टिक्का बनाएं और एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।